नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनलॉक ट्रेड में। आज हम आपके लिए बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड लेके आए हैं, जिसमें आप हर रोज 2 से 5 हजार रुपए घर लेके जाओगे। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिसमें आप लॉस लेके जाओगे। 100% जिस दिन ट्रेड मिलेगा उस दिन आप प्रॉफिट लेके जाओगे। बिल्कुल सिंपल है, किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा इसमें क्रिएटिविटी है नहीं, कुछ ऐसा है नहीं कि आपको ट्रेड फाइंड करने में बहुत मुश्किल हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल होगा, प्राइजेक्शन पे होगा। तो चलो देखते हैं इसमें करना क्या है। मैं सबसे पहले हमारा जो बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम होगा वो टाइम फ्रेम ले लेना है 5 मिनट, सिंपल है। उसके बाद में हमें एक इंडिकेटर लेना है, वो लेना है EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेशन, इसको ले लेना है। और दूसरा हमारा जो इंडिकेटर होगा वो होगा पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, जो हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए यूज होगा। जो हमारा EMA है उसका टाइम जो लेंथ है वो कर देना है 5 और कर देना है ओके। पिवोट पॉइंट का जो है वो अपने आप रहेगा। अब इसमें हमें करना क्या है, जैसे आज का मार्केट देख लो कितना गिरा है, जबरदस्त गिरा है, लेकिन आज हमारा कहीं पर भी कोई ट्रेड नहीं बन रहा था, यहाँ पर भी हमारा कोई ट्रेड नहीं बन रहा था, इस दिन ट्रेड बन रहा था। ट्रेड हमें लेना कैसे है वो आपको मैं समझा देता हूँ। ये जो ट्रेडिंग सेटअप है इसकी एक्यूरेसी है 90%। तो चलो देखते हैं कहाँ यूज करता है। जैसे ये पॉइंट है, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, इसके ऊपर गया, यहाँ ऊपर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनाया, मार्केट रिवर्स हो गया, उसके बाद में मार्केट यहाँ गया और यहाँ जाकर के एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। अब कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है ये आप देख के बताओ। ये है बियरिश हरामी पैटर्न। वैसे अगर इस कैंडल को हम एक ही कैंडल को देखें तो ये है हैमर, लेकिन उल्टा ऊपर बढ़ना, जबकि हैमर बनता है बॉटम में, लेकिन ये बना टॉप पे। तो टॉप पे हैमर बनता है तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ हमारा बियरिश हरामी पैटर्न बना। अब जैसे इसके नीचे मार्केट क्रॉस होता है, कैंडल क्रॉस होती है, तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा और इसके हाई के ऊपर हमारा असर रहेगा। तो ये मार्केट कितना गिरा, अब इसका देख लेते हैं शॉर्ट में कि ये हमारे यहाँ से एंट्री थी, ये एक छोटा सा हमारा एसएल था, और इस पिवोट पॉइंट से तक देख लो कि कितना बड़ा प्रॉफिट है। रिस्क रिवार्ड बहुत बड़ा मिलता है। सबसे बढ़िया ब्यूटी जो इस ट्रेडिंग सेटअप की है वो है रिस्क रिवार्ड। छोटा सा जब रिस्क मिलेगी वो बिल्कुल छोटी होगी, और जो रिवार्ड आएगा ना वो बहुत बड़ा आएगा। इससे पहले क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। अब चलते हैं, यहाँ तो मार्केट ने हमें दिया ही नहीं कि यहाँ से ओपन हुआ, उसके बाद में इसके पास ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना था लेकिन बहुत ऊपर बना, यहाँ बनता तब हमारा होता, या इसके पास में ये जाकर के बनता तब हमारा होता, लेकिन नहीं बना। इस दिन भी कुछ नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गया था नीचे आया था। अगर ये वापस जाकर के ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये यहाँ बनता तो जरूर हमारा होता। चलो रोज ट्रेड नहीं मिलेगा। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हुआ, मार्केट आया लेकिन नहीं तो इसके नीचे आया ही नहीं, ऊपर चला गया, फिर यहीं रहा। यहाँ मार्केट फॉल हुआ, इसके ऊपर इसने क्लोज दिया लेकिन नियर बाई S1 पिवट पॉइंट के पास में था, तो इसके पास बनना चाहिए था या इसके पास बनना चाहिए था, तो ये बीच में आ गया। तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, ऐसे ट्रेड को अवॉइड करना है, ऐसे ट्रेड बहुत मिलेगा। अब इस दिन देखो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर गया और नीचे आया, और ये पिवट पॉइंट के पास में ही कैंडलस्टिक पैटर्न बना, और देखो सेकंड कैंडल ने पिवट पॉइंट के ऊपर जाकर के क्लोज दिया। तो अब इसका देख लेते हैं प्रॉफिट, हमारा ट्रेड बना था, यहाँ से हम ऑर्डर डालते हैं और यही एसएल रहेगा, और फर्स्ट टारगेट है वो यही, लास्ट ऊपर जो भी पिवट पॉइंट आएगा रेजिस्टेंस आएगा वही रहेगा। तो गया यहाँ आया और पूरा हमें प्रॉफिट दिया, अच्छा चला। इसके बाद में हमें देखो फिर यहाँ रिवर्स में भी हमें वापस ट्रेड मिला, यहाँ जाकर के ऊपर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, इसका देख लेते हैं शॉर्ट में होगा, इसके नीचे ये क्लोज दिया। तो यहाँ से देखते हैं ये हमारा एसएल था, और एसएल के हिसाब से रिस्क रिवार्ड आप देख सकते हो,
तीन गुना रिवार्ड मिल चुका है रिस्क के अकॉर्डिंग। इसके पहले क्या हुआ, यहाँ देखो सही से, अब क्या हो रहा है कि इस जो ईएमए है, इसका अर्थ क्या है कि ये जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है ना, ये इस ईएमए के टच नहीं होना चाहिए। सबसे मेन बात ये है कि जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है ना, वो ईएमए के टच नहीं होना चाहिए। जैसे मार्केट यहाँ ओपन हुआ, रेंज बाउंड रहा, फिर मार्केट यहाँ आया, अब जैसे ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया, और अगर इसने ये ईएमए के ऊपर क्लोज देता और ये नियर बाई पैटर्न बनता, तब हमारा ट्रेड था, क्योंकि जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया वो बिल्कुल ईएमए के किसी प्रकार से टच नहीं कर रहा है, इसलिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न बेट रहेगा। अब देखते हैं, ये देखो यहाँ से हमारा ऑर्डर बना था, लेकिन क्या हुआ था, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो ईएमए के बिल्कुल टच नहीं कर रहा है। यहाँ देखो ये हमारा ऑर्डर बना था, ये ईएमए के बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, ये हमारा जो पैटर्न बना था ईएमए के टच नहीं है, 5 ईएमए के टच नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो मार्केट नीचे था ऊपर गया, यहाँ कैंडलस्टिक ये बियरिश हरामी पैटर्न बनाया, लेकिन पैटर्न किसी भी प्रकार से 5 ईएमए के टच नहीं है। जैसे इसको ब्रेक किया, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन बना कहाँ है, ये इस पिवट पॉइंट के ऊपर, ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए कैंडलस्टिक पैटर्न, इस प्रकार से नीचे होना चाहिए। तो ये था आज का बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप, तो आप बिल्कुल बैक टेस्ट कर सकते हो, 100% रिजल्ट आएगा इसका। घर पे पैसे लेके ही जाओगे, डूबा के मार्केट को नहीं देखे जाओगे। धन्यवाद।